भूगोल की ऑनलाइन क्लास में आपका अभिनंदन। आज हमें 12th कक्षा के ज्योग्राफी के फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट इकाई के फर्स्ट लेसन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो इसका नाम जो है मानव भूगोल प्रकृति व विषय क्षेत्र। तो इससे का अध्ययन करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा भूगोल के बारे में। तो देखो भूगोल भाई, भूगोल के इतिहास के बारे में हम देखें तो भूगोल को हमें अंग्रेजी में ज्योग्राफी भी कहते हैं। ज्योग्राफी भी कहते हैं। और इस शब्द को जो देने वाले थे यह है यूनानी व ग्रीक विद्वान थे। और यह जो शब्द है यह दो शब्दों से जियो और ग्राफिया ग्राफिया से मिलकर बना है। देखो बेटा, इसका जो शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी, जियो का अर्थ पृथ्वी, ग्राफिया का वर्णन करना, वर्णन करना। तो इस शब्द का जो हम शाब्दिक अर्थ लेते हैं यह है पृथ्वी का वर्णन करना। इसे जो ये भूगोल है, इस भूगोल शब्द के जन्मदाता या जनक के एरेटो स्तनीज। इस भूगोल शब्द के जो जनक हैं वह है इरेटोस्तनीज, या इस भूगोल शब्द को देने वाले जो प्रथम व्यक्ति हैं वो हैं इरेटोस्तनीज। और इस भूगोल को व्यवस्थित तरीका देने के कारण है जो इसका जनक बताया जाता है, भूगोल का जनक वह है हिकेटियस। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है या भूगोल का जनक कहा जाता है। देखो बेटा, भूगोल शब्द के जनक की बात करें तो इरेटोस्तनीज भाई, भूगोल शब्द देने वाला था इरेटोस्तनीज। भूगोल को व्यवस्थित क्रम देने वाले थे हिकेटियस, और व्यवस्थित क्रम देने के कारण ही इनको भूगोल का जनक कहते हैं हिकेटियस। इसके आगे हम बात करें तो भूगोल को हम दो शाखाओं के रूप में पढ़ते हैं, दो शाखाओं के रूप में पढ़ते हैं। एक तो भौतिक भूगोल, एक तो भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल, मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण है भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। भौतिक पर्यावरण का भाई, भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। जैसे धरातल है हमारा, वायुमंडल है, जलमंडल है, जैसे पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, इनके बारे में। और जो ग्लोबीय स्थिति की बात की थी हमने 11th कक्षा में, कहने का तात्पर्य जो भी हमने 11th कक्षा की जो भूगोल के अंदर है जो पढ़ा था वह सब इस भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। और बात करें हम मानव भूगोल की तो मानव भूगोल में देखो हम मानवीय तथ्यों को शामिल किया जाता है। मानवीय तथ्यों भाई, वातावरण में जो वातावरण के अंदर है जो भी क्रियाकलाप करता है मानव, उन सभी तथ्यों को शामिल किया जाता है
जैसे पर्वतों को काट करके सड़कों का निर्माण करना, या फिर यूं कहें कि सड़कों का निर्माण, भवन निर्माण, या कृषि कार्य, उद्योग धंधे, व्यवसाय, है ना। तो ये सब जो भी मानव जो भी क्रियाएं करता है, जो भी क्रियाएं करता है, वो सब इसके अंदर सम्मिलित होती हैं। या मानव भूगोल में देखो, मानव भूगोल में मानव के क्रिया कलापों को केंद्र बिंदु माना है। मानव भूगोल में मानव के क्रिया कलापों को केंद्र बिंदु माना जाता है। भाई वातावरण में रहकर के मानव जो भी क्रियाकलाप करता है, वो सब किसके अंदर आएगा? मानव भूगोल के अंदर आएगा। इसी में देखो हम, मानवी वे पर्यावरण के मध्य मानव पर्यावरण के मध्य जो अध्ययन किया जाता है, मानव पर्यावरण के मध्य वो सब इस मानव भूगोल में सम्मिलित होता है। मानव पर्यावरण के मध्य जो भी अध्ययन किया जाता है, जो भी संबंध होते हैं के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वह सब मानव भूगोल में सम्मिलित होता है। इसके अंदर जैसे कृषि करना है, व्यवसाय करना, उद्योग स्थापित करना, सड़क निर्माण, भवन निर्माण, वह जो भी सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण किया जाता है, वह सब मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। और आगे इसमें बात करें कि जो मानव भूगोल है, इस मानव भूगोल का जन्म या कहें इसका उद्भव या विकास कब से माना जाता है? तो इसका उद्भव विकास 18वीं शताब्दी से माना जाता है। इसमें देखो हम, आधुनिक मानव भूगोल के जनक, आधुनिक मानव भूगोल के जनक जो हैं, वह है फ्रेडरिक रेटजेल, को कहा जाता है। आधुनिक मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल, और मानव का जनक के मानव सॉरी भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा जाता है, और आधुनिक मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। इन फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक जो लिखी गई, उस पुस्तक का जो नाम है, यह एंथ्रोपो ज्योग्राफी नामक इसने एक पुस्तक लिखी, और यह एक प्रसिद्ध पुस्तक रही है। और इस पुस्तक के अंदर इन्होंने अपनी परिभाषा दी है मानव भूगोल की, और वह परिभाषा है, मानवे समाजों वे धरातल के मध्य संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल देखो, मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, यह परिभाषा दी है
फ्रेडरिक रेडजेल ने किसमें दी है? एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक अपनी पुस्तक में दी है। वह इनकी जो पुस्तक थी वो कौन सी थी तो आपको बताना है भाई, पुस्तक जो है एंथ्रोपोजियोग्राफी। इसमें जो है मानव समाजों भाई, मानव की जो समाज है और धरातली जो हमारा वातावरण है, धरातले के ऊपर जो संबंध है मानव के, जैसे कृषि कार्य करता है, उद्योग स्थापित करता है, परिवहन संचार है ना, तो ये सब जो भी कार्य जो भी संबंध है उस धरातल के साथ में, उन संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। देखो इन्होंने जो पार्थिव एकता पर जोर देते हुए, इन्होंने पार्थिव एकता पर जोर देते हुए मानव के क्रिया कलापों पर वातावरण का प्रभाव बताया है। भाई पार्थिव एकता, देखो यहाँ शब्द आया है हमारा पार्थिव एकता, भाई पृथ्वी के जो सभी तत्व हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, तो इन पर जोर देते हुए मानव के क्रियाकलापों पर, भाई मानव जो भी क्रियाकलाप करता है उन क्रियाकलापों के ऊपर वातावरण का प्रभाव इन्होंने बताया है। भाई वातावरण का इसके ऊपर प्रभाव रहता है, भाई मानव जो भी क्रियाकलाप करेगा उसके ऊपर वातावरण इन्वायरमेंट का प्रभाव रहेगा। तो देखो इसी की एक शिष्या थी फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या, और इनकी जो शिष्या, देखो बेटा शिष्या शिष्या का जो नाम था वह है एलन सिंपल, एलन सिंपल इन एलन सिंपल जो ये है, यह है अमेरिका की थी, अमेरिका की विद्वान थी, और जो फ्रेडरिक रेडजेल हैं यह है जर्मनी के थे, जर्मनी के विद्वान थे। तो एलन सेम्पल ने भी मानव भूगोल की परिभाषा दी है, और उन्होंने कहा है कि मानव भूगोल चंचल मानव, चंचल मानव मानव को क्रियाशील बताया, चंचल बताया है, चंचल मानव तथा अस्थायी पृथ्वी, अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों संबंधों का अध्ययन है। देखो मानव भूगोल चंचल मानव तथा जो अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन। पृथ्वी जो है चंचल तो बताया है मानव को, भाई मानव जो है वो क्रियाशील रहता है, चंचलता करता रहता है, और पृथ्वी जो है पृथ्वी को बताया अस्थायी पृथ्वी, भाई पृथ्वी अस्थायी है, जैसे घूर्णन क्रिया करती है, घूर्णन है परिभ्रमण है, तो पृथ्वी को अस्थायी बताया। तो अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के परस्पर आपस में जो परिवर्तनशील जो परिवर्तन होते रहते हैं, इन परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही क्या है? मानव भूगोल, इसी को बताया है इन्होंने क्या? मानव भूगोल। तो देखो इससे जो ये एलन सैंपल है, यह है जो नियतिवाद है, इसकी कट्टर समर्थक भी रही हैं। तो ये जो दो विद्वान बेटा हमने पढ़ा है कि एक तो फ्रेडरिक रेडजेल जो जर्मनी के थे, दूसरी इसकी शिष्य एलन सैंपल जो यह है अमेरिका की, तो इन दोनों से एक विचारधारा निकल करके आती है, और वह जो विचारधारा है बेटा यह है नियतिवाद, नियतिवाद है, या इसको कह सकते हैं
निश्चय हुआ। यह एक विचारधारा निकल करके आती है दोनों से। तो देखो ये नियतिवाद या निशिवाद जो है, इसमें देखो कि जो मानव है, मानव के जो भी क्रियाकलाप करता है, मानव मानव जो भी क्रियाकलाप करता है उसके ऊपर वातावरण का प्रभाव रहता है। भाई वातावरण को इसमें क्या बताया है, प्रभावी बताया है, या कहें कि प्रकृति इसमें क्या रहती है, प्रभावी रहती है। या यूं कहें कि इसमें देखो प्रकृति को प्रभावी बताया है, प्रकृति को प्रभावी बताया है। या इसको यूं समझें कि मानव प्रकृति का दास है, प्रकृति का दास है। या ये समझें कि मानव है उसको प्रकृति के अनुसार, प्रकृति के अनुसार जीना पड़ेगा। और जैसे यह हमारे जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र हैं इनके अंदर हम अगर उदाहरण के आधार पर देखें तो देखो इन प्रदेशों के अंदर जो काली चमड़ी के लोग रहते हैं और भाई तापमान अधिक होने के कारण उनके ऊपर है वातावरण का प्रभाव है। इसी तरह से अगर देखें हम दूरों की तरफ या फिर जो ठंडे प्रदेश हैं उनकी तरफ जो हैं लोग जो सफेद रंग के या गोर वर्ण के होते हैं, तो ये जो प्रभाव है वो इससे प्रकृति के कारण ही पड़ा है। या यूं समझें कि अलग अलग स्थानों के ऊपर अलग अलग प्रकार के व्यवसाय या कृषि वगैरह पाई जाती है। जैसे पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र में अलग व्यवसाय होते हैं, जैसे पशु चारण है, ठीक है ना, इस तरह से। और जो मैदानी प्रदेश हैं इन मैदानी प्रदेशों के अंदर ही जो है कृषि कार्य, परिवहन ये अधिक होते हैं। तो हम इतना समझ सकते हैं कि इसको प्रकृति को क्या बताया गया है, इससे विचारधारा के अंदर प्रभावी बताया गया है। या यूं कहें कि मानव जो है वह प्रकृति का दास है, प्रकृति जैसा चाहेगी मानव उसकी अनुपालना करेगा, उसको करना पड़ेगा। इसके बाद में बेटा हम देखें एक विद्वान और हुए हैं जो मानव भूगोल की परिभाषा देते हैं। देखो तीसरी हमने बात कर ली एक नंबर फ्रेडरिक रेटजेल, दूसरी बात कर ली हमने एलन सेम्पल, तीसरे जो हैं यह है विडाल डे ला ब्लास। विडाल डे ला ब्लास ये विद्वान बेटा फ्रांस के हैं, फ्रांस के। और इन्होंने जो अपनी परिभाषा दी है इसमें देखो कि मानव भूगोले मानवे भूगोले पृथ्वी वे मानवे संबंधों, पृथ्वी वे मानवे के पारस्परिक संबंधों, के पारस्परिक के संबंधों को नया विचार देते हैं। भाई विडाल डेला जो ग्लास महोदय हैं इन्होंने मानवे भूगोले पृथ्वी व मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देते हैं। और इसमें देखो मानवे को देते हैं और इन्होंने परिभाषा जो दी है कि मानव भूगोले हैं मानवे भूगोल में पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम, भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के पारस्परिक जीवों के मध्य संबंधों का
संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। तो देखो बेटा, विडालगेला जो बिलास महोदय हैं, इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी है कि भाई मानव भूगोल पृथ्वी व मानव के पारस्परिक संबंधों को एक इन्होंने नया विचार दिया है। और मानव भूगोल उन्होंने परिभाषा दी है कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के मध्य जो संबंध हैं, भाई पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो जीव हैं उनके मध्य में जो संबंध है उसका अधिक ज्ञान को शामिल इसमें किया गया है, उसे ही मानव भूगोल की परिभाषा दी है। और इन्होंने एक विचारधारा दी है और उस विचारधारा का जो नाम है बेटा यह है संभववाद, संभववाद की इन्होंने परिभाषा दी है। और एक परिभाषा हमने पढ़ ली भाई, एक विचारधारा हमने पढ़ी नियतिवाद, दूसरी आ गई हमारी संभववाद। संभववाद में जो है जो नियतिवाद था इसका विपरीत, या यूं कहें कि इसमें तो प्रकृति को भव्य माना था नियतिवाद में तो, और इसमें मानव को अधिक प्रभावी, मानव को अधिक प्रभावी माना जाता है, माना जाता है, या यूं कहें कि प्रकृति को मानव के दास कहा है। भाई मानव जो है प्रकृति के अंदर कांट छांट करके जो है बदलाव ला सकता है, जैसे पर्वतों के ऊपर खेती नहीं की जा सकती, लेकिन मानव जो है वहां भी सीढ़ीनुमा खेत बना करके कृषि कार्य संभव कर सकता है। भाई जो है इसमें संभव है, देखो इसने परिभाषा में भी दिया है कि इसने भौतिक नियम, ऐसे भौतिक नियम उन्होंने बना लिए हैं कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम उन्होंने बनाए हैं। तो भौतिक नियमों के आधार पर वह क्या कर सकता है, पृथ्वी पर नियंत्रण कर सकता है। तो यह जो थी हमारी दूसरी विचारधारा। और इसके बाद में एक विद्वान जो हो रहे हैं इनकी परिभाषा की बेटा हम बात करें, डिकेन और पिट्स, डिकेन व पिट्स, और डिकेन व पिट्स की हम बात करें तो इन्होंने मानव भूगोल में मानव के कार्यों को सम्मिलित किया है, सम्मिलित किया है। भाई मानव जो भी क्रियाकलाप करता है, भाई मानव जो है मानव को इसमें सम्मिलित किया गया है, और मानव जो भी क्रियाएं करता है या जो भी कार्य करता है उनको इसमें सम्मिलित किया है। यह परिभाषा थी डिकेन और पिट्स की। और हमने देख लिया बेटा कि इसमें नियतिवाद हो गया, संभववाद हो गया, और प्रमुख जो विद्वान हुए हैं उन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी है। इसके बाद बेटा लगे हाथों एक बात और देख लेते हम, तीन विचारधाराएं आती हैं, एक तो हो गई हमारे नियतिवाद, दूसरी हो गई संभववाद, एक विचारधारा के बारे में और यहाँ बात कर लेते हैं बेटा, यहाँ से कर लेते हैं कि नवनियतिवाद, नवे नियति जिसको हम रुको वे जाओ के नाम से भी जान सकते हैं, नवे नियति वादे, या इसको हमें रुको वे जाओ विचार धारा, तीसरी है बेटा ये विचारधारा के नाम से भी हम जान सकते हैं इसको। इसमें देखो बेटा पहले तो हम देखेंगे भाई इसको देने वाले कौन थे, इसको देने वाले थे ग्रिफिथ टेलर,
थे, यह थे अमेरिका के विद्वान थे, देने वाले थे ग्रिफिथ टेलर। और ग्रिफिथ जो टेलर हैं, इन्होंने कहा कि ना तो मैं जर्मन वालों की मानूंगा भाई, फ्रेडरिक रेटजेल इनकी मानूंगा कि नियतिवाद की बात है किधर, ना मैं जो ये है हमारे विडाल डी लाब्लास से फ्रांस वालों की, मैं तो नया विचार दूंगा। तो कहने का तात्पर्य है टेलर और टेलर का जो काम है क्या होता है, जोड़ना। तो इन दोनों विचारधाराओं को आपस में इसने क्या किया, जोड़ा। ना तो प्रकृति है वह मानव के ऊपर प्रभावी है, ना मानव प्रकृति के ऊपर प्रभावी है, दोनों आपस में सामंजस्य बना करके ही इसमें रह सकते हैं, या सामंजस्य होना आवश्यक होता है। तो यह जो विचारधारा थी नवनियतिवाद के नाम से जानी जाती जाती है। देखो बेटा, आज जो हमने बात की इसको एक बार दोबारा से देख लीजिए, और इन सभी को एक नोट्स के रूप में भी आपको तैयार करना है और इनको अच्छे से याद करना है। तो हमने बात की थी सबसे पहले भूगोल के बारे में कि भूगोल क्या है। भूगोल को शब्द को देने वाले थे इरेटोस्तनीज, भूगोल का जनक हिकेटियस, और जो ये भूगोल शब्द आया हुआ है यूनानी व ग्रीक विद्वानों के द्वारा दिया गया था। जियोग्राफिया पृथ्वी का वर्णन करना, इसका शाब्दिक अर्थ लेते हैं। इसकी दो शाखाएं थी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के बारे में बात की। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का इसमें अध्ययन किया जाता है, मानव भूगोल मानवीय तत्वों को इसमें शामिल किया जाता है, या मानव व पर्यावरण के मध्य जो भी संबंध हैं उनका अध्ययन इस मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और इस मानव भूगोल के जन्म या उद्भव या विकास की बात करें तो इसका जो उद्भव है वह 18वीं सदी से माना जाता है। और इसके बाद में आधुनिक मानव भूगोल के जो जनक हैं वह फ्रेडरिक के रेटजेल हैं, और यह थे हमारे जर्मनी के, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी एंथ्रोपो ज्योग्राफी। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है एंथ्रोपो ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है, तो यह हो जाएगा हमारा फ्रेडरिक रेटजेल के द्वारा। फ्रेडरिक के रेटजेल के द्वारा जो एंथ्रोपो ज्योग्राफी नामक है जो ये पुस्तकें लिखे, और इस पुस्तक के अंदर इन्होंने परिभाषा दी, और जो परिभाषा दी है परिभाषा इन्होंने जो परिभाषा दी मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के मध्य संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। और इन्होंने पार्थिवी एकता पर जोर देते हुए मानव के जो क्रियाकलाप हैं, मानव जो भी क्रियाकलाप करता है उन क्रियाकलापों के ऊपर वातावरण का प्रभाव रहता है, इन्होंने ये बताया। इसकी एक शिष्य थी एलन सेम्पल, और ये अमेरिका की थी। इन्होंने मानव भूगोल चंचल मानव व अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंध, पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह इन्होंने परिभाषा दी। और यह जो है यह नियतिवाद की कट्टर समर्थक भी रही हैं, और इन दोनों जो विद्वान हुए हैं इनसे एक विचारधारा निकल करके आती है, वह है हमारी नियतिवाद, या जिसको हम निश्चयवाद भी कह सकते हैं। इसमें प्रकृति को प्रभावी माना गया है, या फिर ये समझे कि भाई मानव जो है वह प्रकृति का दास है, तो मानव के ऊपर प्रकृति का प्रभाव माना जाता है। इसके बाद में मैंने बात की विडाल डी लाब्लास महोदय की, और विडाल डी लाब्लास जो महोदय हैं बेटा, मानव भूगोल पृथ्वी व मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देते हैं, और मानव भूगोल पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम और तथा पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के मध्य संबंधों का संश्लिष्ट ज्ञान शामिल हैं। इन्होंने जो है विडाल डी लाब्लास ने एक विचार दिया संभववाद, या संभववाद की इन्होंने क्या रखी नींव। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है कि संभववाद की नींव रखने वाले विद्वान कौन थे, नींव रखने वाले विद्वान थे हमारे विडाल डी लाब्लास महोदय जो फ्रांस के थे। इन्होंने जो परिभाषा दी और इसमें बताया है कि जो मानव है उसको अधिक प्रभावी, मानव है कुछ भी संभव कर सकता है, संभववाद भाई संभव कर सकता है, ठीक है ना भाई, उसमें काट छाट करके वह बदलाव ला सकता है। और उन्होंने बताया जैसे कि भाई हमारे पर्वतीय इलाकों में खेती नहीं होती, लेकिन मानव वहां भी क्या कर सकता है कि पर्वतों को सीढ़ीनुमा खेत बना करके वहां कृषि कर सकता है, वहां पर्वतों को काट करके परिवहन की सुविधा भी की जा सकती है। तो ये थी हमारे संभववाद की परिभाषा। इसके बाद में एक परिभाषा और दी है डिकेन वे पिट्स महोदय ने, और ये जो महोदय हैं मानव भूगोल मानव के कार्यों को इसमें सम्मिलित किया जाता है।
और इसके बाद में एक विचारधारा और रह जाती है हमारे नवनियतिवाद की। नवनियतिवाद जिसको हम रुको वे जाओ के नाम से भी जानते हैं। और यह जो विचारधारा दी है वह ग्रिफिथ टेलर जो अमेरिका के थे बेटा। और जो ये विचारधारा नवनियतिवाद की जो विचारधारा है इस विचारधारा के अंदर ना तो प्रकृति प्रभावी और ना मानव को प्रभावी बताया है। इसमें एक सामंजस्य बताया है भाई, मानव जो है प्रकृति के साथ में सामंजस्य करके अपना जीवन यापन करता है। थैंक यू बेटा, आज हमने भूगोल के बारे में थोड़ा सा परिचय इसका पढ़ा और इनको बेटा नोट्स के रूप में आपको उतारना है और तरीके से इसको लिख करके अच्छे से आपको याद करना है। आगे के वीडियो में बेटा जो है इस भूगोल की प्रकृति और जो विषय क्षेत्र है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ बेटा धन्यवाद।